हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कोविद वर्मा और आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी का एक डेमो लेक्चर। इस लेक्चर का रेलेवेंस इन एग्ज़ाम्स के लिए है। क्लैट, एलेट, स्लैट, एमएचसीटी, ये सारे के सारे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं। एचएसडब्ल्यूई टेस, ये ह्यूमैनिटीज एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं। और सेट एक मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, प्रीडोमिनेंटली मैनेजमेंट एंट्रेंस। तो ये टॉपिक जो है इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के डिलीवरेबल्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पॉलिटिक्स क्या होता है, राजनीति क्या होती है। उसके बाद पॉलिटी क्या होती है, दोनों शब्द में स्पेलिंग का ही नहीं मीनिंग का भी डिफरेंस है। इंडियन पॉलिटी, इस फ्रेज़ को आपने कईयों बारी सुना होगा, लेकिन इसका आखिरकार मतलब क्या होता है। स्टेट विद अ कैपिटल एस वर्सेस स्टेट विद अ स्मॉल एस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट, इन दोनों में क्या रिलेशन है। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अगर हम इंडियन डेमोक्रेसी की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो ये दो फ्रेजेस आर रेलेवेंट टू आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा क्या है इंडियन डेमोक्रेसी में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अर्थ से हम समझ सकते हैं। ओके, Finally, we would talk about Council of Ministers, which again is related to parliamentary democracy, which India is. और अंत में हम बात करेंगे कुछ confusing questions के बारे में जो Indian polity से related है। चलिए, तो सबसे पहले what is politics? What is politics? Politics का एक simplest definition जो मैंने पढ़ा है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इज हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, किसको मिला क्या कब और कैसे। मैं एक बहुत छोटा एग्जांपल आपको बताता हूँ। मैं जब फिफ्थ क्लास में था तब इलेक्शंस हुए, किसकी पोस्ट के लिए, मॉनिटर की पोस्ट के लिए। तो टाई हो गया दो लोगों के बीच और टीचर को बोला गया कि आप टाई ब्रेकर इशू को रिजॉल्व करो। तो भाई टाई ब्रेकर को कैसे रिजॉल्व किया, उन्होंने कहा कि मैं किसी एक को नॉमिनेट कर दूंगी और फाइनली वो जो है वो मॉनिटर कहलाएगा। तो उन्होंने जिसको नॉमिनेट किया वो उनका फेवरेट स्टूडेंट था। देखिए यहाँ पे पॉलिटिक्स खेली गई। पॉलिटिक्स कैसे खेली गई, या यहाँ पे पॉलिटिक्स हुई, हु गेट्स वॉट, किसको मिला क्या, किसको मॉनिटर, मेरा फ्रेंड जो मॉनिटर बना उसको मिला क्या, मॉनिटर की पोजीशन, कब, इलेक्शंस के बाद और नॉमिनेशन के बाद। इलेक्शंस के बाद जो टाई ब्रेकर हुआ उसका जब रेजोल्यूशन किया उसके बाद, और कैसे, बिकॉज ऑफ बोथ वोटिंग एज वेल एज फेवरेटिज्म, जिसको आप नेपोटिज्म भी बोल सकते हो। तो दिस इज हाउ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिक्स इन आर डेली लाइफ। पॉलिटिक्स बहुत तरीके की हो सकती है, टेररिज्म भी एक प्रकार की पॉलिटिक्स ही है। अगर एक राजा बोलता है कि मैं लोगों पे राज करता हूँ बिकॉज आई हैव द डिवाइन पावर टू रूल ओवर देम, बिकॉज गॉड गिव्स मी दिस काइंड ऑफ पावर टू रूल ओवर माय पीपल, सो दिस इज हाउ अ किंग रूल्स ओवर पीपल। किंग इज गेटिंग द अथॉरिटी टू रूल, हाउ, क्योंकि वो इन्वोक कर रहा है डिविनिटी, उसके रूल की डिविनिटी को इन्वोक कर रहा है, सो एज टू रूल ओवर देम। इलेक्टेड लीडर सेज आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, दैट इज व्हाई आई एम रूलिंग ओवर देम। ठीक है, पॉलिटिक्स एंड क्लास एंड स्कूल, ये तो एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस ही किया। पॉलिटी क्या होता है, वो अरेंजमेंट जिसके दरमियान ये पॉलिटिक्स काम करती है, द अरेंजमेंट within which a certain kind of politics work is known as polity. अलग अलग प्रकार की polity हो सकती है, एक monarchy भी हो सकती है। एक monarchy में क्या होता है, राजा rule करता है और राजा के जितने भी परिजन रहते हैं, royal family के जितने भी members होते हैं, वो उसको rule करने में assist करते हैं। और generally ऐसा होता है, जब जब राजा rule करता है तब तब साथ में एक एक क्लर्जी भी रहती है जो रूल करने में उसे असिस्ट करती है। क्लर्जी मतलब रिलीजियस रैंक के ऑफिशियल्स भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई में, तो वहाँ पे क्लर्जी एंड किंग दे बोथ हैंड इन हैंड रूल द
कंट्री, ओके। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो यूके और इंडिया में है, और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जो यूएसए और फिलीपींस में है। देखिए दोनों डेमोक्रेसी है, लेकिन दोनों में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। वो ह्यूज डिफरेंस क्या है, हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। कम्युनिस्ट, चाइना इज अ कम्युनिस्ट, चाइना एंड वियतनाम बोथ आर कम्युनिस्ट नेशंस। इट्स अ वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ पॉलिटी। यहाँ पे ऑब्वियसली देयर इज अ ह्यूज रोल ऑफ पीपल इन प्रोवाइडिंग अथॉरिटी टू द पर्सन रूलिंग ओवर देम, जो कि डेमोक्रेसी में भी होता है। लेकिन कम्युनिज्म में यू कैन नॉट चेंज योर लीडर, इट हैज टू बी वन पार्टी, इट हैज टू बी वन पार्टी। पीपल कांट चेंज देयर लीडर थ्रू इलेक्शंस। दिस इज वॉट अ डेमोक्रेसी इज, बट इट नेवर हैपन्स इन कम्युनिज्म। ओके, तो लेट अस टॉक अबाउट इंडियन पॉलिटी। सबसे पहले तो ग्लोबल नॉर्म क्या है। ग्लोबल नॉर्म, द बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटी इज डेमोक्रेटिक पॉलिटी। अब देखिए डेमोक्रेटिक पॉलिटी, इंडिया डेमोक्रेटिक तो है, और इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो चलो आइए जानते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक्चुअली होती क्या है। देखो एक छोटी सी डेफिनेशन है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच लॉ मेकर्स फॉर्म द गवर्नमेंट। आप ये इन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, लॉ मेकर्स गवर्नमेंट को बना रही है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में लॉ मेकर्स डोंट फॉर्म द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल यूएसए में, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो साथ ही साथ एक लेजिस्लेटर भी हैं, वो लोकसभा के भी मेंबर हैं। लेकिन अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वो प्रेसिडेंट तो है, लेकिन वो किसी भी ना ही वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, ना ही वो सेनेट में, जो वहाँ का लेजिस्लेचर है वहाँ पे बैठता है। तो ही इज नॉट अ लॉ मेकर, बट ही इज द गवर्नमेंट। ओके ओके, इफ आई आस्क यू द सिंपल क्वेश्चन, हु गवर्न्स द पीपल ऑफ इंडिया, तो योर आंसर वुड बी सर गवर्नमेंट। ओके, इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, ऑन व्हाट बेसिस डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्न्स द पीपल ऑफ इंडिया, तो रूल्स। एंड रूल्स जो रहते हैं वो किस पे बेस्ड रहते हैं, एक्ट्स पे बेस्ड रहते हैं। अच्छा, ये एक्ट्स कौन बनाता है भाई, ये एक्ट्स बनाता है लेजिस्लेचर। ओके, लेजिस्लेचर किस बेसिस पे ये एक्ट्स बनाता है, लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ये सारे के सारे एक्ट्स बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, मतलब पीपल ऑफ इंडिया आर गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स विच आर इन टर्न बेस्ड ऑन एक्ट्स विच आर मेड बाय द लेजिस्लेचर विच मेक्स दोज एक्ट्स विच आर इन प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कितना बढ़िया स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही एक्ट बनाए। शायद वो जानबूझ के गलती कर दे या धोखे से गलती कर दे। अच्छा, और अगर उसने सही एक्ट बना भी दिया, तो जरूरी थोड़ी ना है कि गवर्नमेंट उन एक्ट्स के बेसिस पे ही रूल्स बनाए। शायद वो रूल्स बनाने में कुछ गड़बड़ी कर दे, रूल्स बनाने में एक्ट अच्छे तरीके से फॉलो ना हो रहा हो। अच्छा, और अगर उन्हें रूल्स सही बना भी लिए गवर्नमेंट ने, तो जरूरी थोड़ी ना है कि उन रूल्स के बेसिस पे ही वो पीपल ऑफ इंडिया को गवर्न करें। कितना करप्शन है हमारे सिस्टम में। तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये पूरी इंटेग्रिटी जो है इस सिस्टम में वो बनी रहे, एक रूल बेस्ड रेजीम रहे। हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा। अगर गलती होती है तो कौन बताएगा कि गलती हो रही है और उस गलती को सुधारो, जुडिशियरी। जुडिशियरी मेक्स श्योर दैट पीपल फॉलो रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट। कोई चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ हो जाएगा। रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉलो द एक्ट्स ऑफ द लेजिस्लेचर। एक अमीर इंसान चोरी कर सकता है, लेकिन एक गरीब इंसान चोरी नहीं कर सकता। ना भाई,
ये तो लेजिस्लेचर के एक्ट के ही खिलाफ हो जाएगा ना। और जो लेजिस्लेचर का एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे, ये तीनों चीजें इंश्योर कौन करता है? जुडिशरी। मतलब अगर देखा जाए तो जुडिशरी क्या कर रहा है? इट्स बेसिकली एन इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ, एंड विच इज द हाइएस्ट लॉ ऑफ द लैंड एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। विच इज हाइएस्ट लॉ ऑफ द लैंड? इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर जुडिशरी है, लॉ का इंटरप्रेटर जुडिशरी है। चलिए लेट अस टॉक अबाउट थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। यहां पे जो मैं स्टेट बोल रहा हूं ना, इट बिगिंस विद कैपिटल एस, तो इसका मतलब एमपी यूपी या बिहार नहीं है। इसका मतलब क्या है? इंडिया, यूएसए, कनाडा, पाकिस्तान, चाइना, ये भी होता है, ठीक है? तो ऑल दीज आर स्टेट्स, ऑल दीज आर नेशन स्टेट्स, ठीक। तो व्हेन आई टॉक अबाउट थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, तो ऑब्वियसली आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा, हमने छठवीं क्लास में पढ़ा है ये वाली बात। क्या? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर में कौन जाता है? लॉ मेकर, जो लॉ बनाता है, जो अधिनियम बनाता है। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में कौन रहता है जी? जो बनाए हुए लॉ को इंप्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूटिव को ही हम गवर्नमेंट कहते हैं। जुडिशरी, जुडिशरी क्या करता है? जुडिशरी हमारे देश में कोई भी स्टेट में, कोई भी नेशन स्टेट में ये इंश्योर करता है कि कोई भी एक्शन, कोई भी हरकत, पे क्लोज अटेंशन टू दिस वर्ड एक्शन, कोई भी एक्शन इज कॉन्स्टिट्यूशनल, जजेस एन एक्शन बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ द लैंड। व्हाट इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड? इट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब वो हरकत किसी की भी हो सकती है, वो एक्शन किसी का भी हो सकता है, वो भाई एग्जीक्यूटिव का भी एक्शन हो सकता है। एग्जीक्यूटिव का एक्शन क्या है? गवर्न करना। लॉ मेकर्स का भी एक्शन हो सकता है, लॉ मेकर्स का क्या एक्शन है? लॉ बनाना। पीपल का भी एक्शन हो सकता है, पीपल का क्या एक्शन है? टू लिव। इफ यू आर नॉट लिविंग एज पर द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर डूइंग एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, एंड जुडिशरी विल सी टू इट दैट यू डोंट डू सो, और यू आर पनिश्ड आफ्टर यू हैव डन सच एन एक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि तीनों का एक, इनफैक्ट दो कॉमन ऑब्लिगेशन है। सबसे पहले तो ऑल आर देयर, all three of them are there to serve the people in the state, all three of them are there to serve the people in the state, all of them function based on a constitution, sab samvidhan ko mast tarike se follow karega, agar nahi karega to fir gandi baat hai। chalo constitution and state of india ke bare mein baat karte hain। dekho bhai, humne abhi tak jo bhi discuss kiya hai aap usko इस तीन लाइन की डाई, मतलब क्या बोले, सवा दो लाइन की डेफिनेशन से समझ सकते हो। तो दस कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट सुपर रूल बुक, इट्स अ रूल बुक बेस्ड ऑन विच द थ्री ऑर्गन्स ऑफ अ स्टेट फंक्शन इन ऑर्डर टू रूल ओवर देयर पीपल। दिस इज व्हाट द रिलेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट एंड पीपल इज। तो अब हम चलिए इसको हम इस इन तीन डेट से समझने की कोशिश करते हैं। तो द स्टेट ऑफ इंडिया, द मॉडर्न स्टेट ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग ऑन 15th अगस्त 1947, विच इज सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फाइनली प्रिपेयर्ड बाय 26th नवंबर 1949। इसको हम नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, नेशनल लीगल डे या नेशनल लॉ डे के नाम से मनाते हैं। लेकिन अभी भी इस दिन को भी, 26 नवंबर 1949 को भी कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ था, एनफोर्स नहीं हुआ था। एनफोर्स कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। The state of India finally started functioning based on the Constitution of India on this date, which is celebrated as the Republic Day. So I hope आपको state और constitution के बीच में जो relation है वो समझ में आ गया होगा, और ये तीन दिनों का exact मतलब क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये वाली slide करने चालू करने से पहले
आप चाहो तो पॉज कर सकते हो. योर क्वेश्चन इज दैट यू नीड टू आंसर इज आप किस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते हैं. पीपल अक्रॉस द नेशन माइट बी वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वुड बी रियली थैंकफुल फॉर दैट. माई क्वेश्चन इज कि आप किस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते हैं. देखिए मैं अपनी बात करूंगा. आई लिव इन जबलपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी. ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम ही जबलपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है. ठीक है. अब यहाँ के कौन है भाई साहब जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ के. ही इज राकेश सिंह, मिस्टर राकेश सिंह जी. तो ये यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं. इन्हें रिप्रेजेंटेटिव बनाया किसने. इन्हें यहाँ के जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उन्होंने, उनमें से कुछ लोगों ने वोट करके इन्हें यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ का नेता बनाया. कहाँ का नेता. इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नेता, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नेता, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नेता. आप देख सकते हैं वी हैव एन नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज. कैन यू गेस द नंबर. दे आर 443 इन, 543 इन नंबर. 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं. ये संविधान में ही लिखा गया है. संविधान में हर ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला गया है. मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा. तो 443 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे जो लोकसभा में आएंगे. अच्छी बात. ये सारे के सारे मेंबर्स लोकसभा को बनाते हैं. ये सारे के सारे मेंबर्स, 443 मेंबर्स, कुछ बीजेपी के रहेंगे, कुछ कांग्रेस के रहेंगे, कुछ बीएसपी के रहेंगे, कुछ सपा के रहेंगे, कुछ तृणमूल कांग्रेस के रहेंगे. किसी भी पार्टी के हो सकते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव्स. लेकिन ये सारे के सारे मिलके लोकसभा बनाते हैं या लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बनाते हैं. अब इनमें से वो लोग, इनमें से इन 543 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में से वो पार्टी जो मेजॉरिटी में है वो कहती है कि हमारी पार्टी या हमारा कोअलीशन सरकार बनाएगी. जैसे 2019 के इलेक्शंस की बात करें तो बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कहा कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे. उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कह दिया कि हम सरकार बनाएंगे. फिर बाद में उन्होंने अपने मिनिस्टर्स चूज करना स्टार्ट किए. कहां कहां से. लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी. इनका कोई भी मिनिस्टर, इनकी गवर्नमेंट में, बीजेपी लेड एनडीए की गवर्नमेंट में अगर कोई भी मिनिस्टर है तो वो इन दोनों में से किसी ना किसी हाउस का तो होना ही चाहिए. तो हम बोल सकते हैं कि यहां पे जो एग्जीक्यूटिव है वो बेसिकली, एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट कहां से बन रही है, लेजिस्लेचर से बन रही है. दिस इज द एसेंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द एग्जीक्यूटिव इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेजिस्लेचर. दिस इज व्हाट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट. ओके. मतलब अगर हम अगेन अपने पुराने फिगर पे जाएं, स्टेट तीन ऑर्गन्स में डिवाइडेड रहता है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर. तो एग्जीक्यूटिव को, अब अगर चूंकि हम एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो एग्जीक्यूटिव रिक्रूटेड और परमानेंट भी हो सकता है, इलेक्टेड और टेम्पोररी भी हो सकता है. अब रिक्रूटेड और परमानेंट, देखिए जितने भी आईएएस ऑफिसर और जो भी जितने भी सिविल सर्वेंट्स रहते हैं बेसिकली, जो जिनको रिक्रूट किया जाता है बाय वेरियस कमीशंस, जैसे एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, ये सारे के सारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव का या रिक्रूटेड एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनाते हैं. इलेक्टेड और टेम्पोररी कौन होते हैं, जितने भी नेता लोग रहते हैं, नेता और जितने भी मंत्री लोग रहते हैं, इनको ऑफिस में इलेक्ट होके आना पड़ता है.
ये इलेक्ट कहां से होते हैं भैया? ये लेजिस्लेचर में इलेक्ट होते हैं, लेजिस्लेचर से ये एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं और मिनिस्टर बन जाते हैं, इनको मंत्री पद मिल जाता है। चलिए अब आप, चूंकि हम एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं तो हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी बात कर लेते हैं। देखिए जितने भी मिनिस्टर्स जो कि लेजिस्लेचर से आ रहे हैं और आर बेसिकली द इलेक्टेड गवर्नमेंट, दे आर रिफर्ड टू एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ठीक है। और ऑब्वियसली उनको कौन लीड करता है? द प्राइम मिनिस्टर। तो जैसे इस गवर्नमेंट के लीडर कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। चलिए अब भाई, चूंकि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो आ कहां से रहा है? वो कहां से आ रहा है? लोकसभा से आ रहा है। अब चूंकि वो लोकसभा से आ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोकसभा को हर बात का जवाब दे जो लोकसभा पूछना चाह रही है। तो दिस इज मेंशन्ड एज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द हाउस ऑफ पीपल और द लोकसभा। आपने देखा होगा, इट इज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द लोकसभा। और वैसा एक कल्चर बन चुका है हमारी कंट्री में कि जितने भी नेता, जितने भी मिनिस्टर्स, मंत्री लोग हैं वो जवाब जो है देंगे, उनसे चार सवाल पूछे जाएंगे और उनको जवाब देना पड़ेगा। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि निर्मला सीतारमन, ये जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पोर्टफोलियो को हैंडल करते हुए इन्होंने काफ़ी सारे सवालों का जवाब दिया जो कि इनसे संसद में पूछे गए थे। उनमें से एक, अब ये एक इंस्टेंस है जब शी वाज डिस्कसिंग ऑन कॉरपोरेट टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स को क्यों काटा गया है, गवर्नमेंट का डिसीजन कॉरपोरेट टैक्स को काटने का क्यों सही है। शी वॉज पुटिंग फॉरवर्ड हर आर्ग्यूमेंट। Why was she putting forward her argument? Because it is her responsibility. It is the government's responsibility to the House of People. The House of People need to know whether whatever you are doing is right or not. ठीक है? Okay. देखिए, आपने एक word जो है cabinet, cabinet मंत्रालय मिला है. Cabinet एक बड़ा एक common word है जो आपने सुना होगा. ठीक है? तो क्या होता है ना कि देखो, अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, कोई भी डिसीजन, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अगर एक स्कीम लॉन्च कर रहा है तो इट इज नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अलोन विच इज लॉन्चिंग दैट स्कीम। इट इज बेसिकली द कंसेंसस ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्रधानमंत्री, जिसके बाद ही एक स्कीम कोई मिनिस्ट्री लॉन्च कर सकता है। सेम गोज फॉर ऑल दी मिनिस्ट्रीज। आप अगर कोई डिसीजन ले रहे हो तो आपको सारे के सारे मंत्रियों को मिलके एक डिसीजन लेना पड़ता है। सारे मंत्रियों की बैठक होती है, मिलके वो डिसीजन लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ भाई ये वाली स्कीम पास कर दो, फॉर एग्जाम्पल। अब क्या होता है, बहुत सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर लाइक मोर देन 100। तो इतने सारे, सॉरी नॉट मोर देन 100, मोर देन 50, इतने सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं बैठ सकते एक साथ मीटिंग करने। तो बेसिकली थ्योरी में ऐसा होता है कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अप्रूवल के बाद ही कोई भी डिसीजन लिया जाएगा सरकार द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत ही कुछ ही लोग जो हैं वो बैठते हैं, और वो कुछ लोग क्या रहते हैं, दे होल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज। फॉर एग्जाम्पल पीएम हिमसेल्फ, द डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, एचआरडी, एनवायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्टर एक्सेट्रा, ये सारे के सारे साथ में बैठते हैं और ये छोटा सा ग्रुप बनाते हैं, इसको बोलते हैं कैबिनेट। ये बॉडी, मान लिया गया है कि ये बॉडी अगर हाँ बोलेगी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हां है ये, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस
between cabinet and council of ministers is cabinet takes all the major government decisions. ठीक है ओके okay. तो मैं देखिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, उस हिसाब से आंसर दे सकते हैं. ठीक है, इज कलेक्टर एन इलेक्टेड ऑफिशियल? इफ यू वॉन्ट यू कैन पॉज द वीडियो. ऑब्वियसली नॉट, ऑब्वियसली नॉट, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस. कलेक्टर इज नॉट एन इलेक्टेड ऑफिशियल. ओके, एवरी मेंबर ऑफ राज्यसभा इज एन एमपी, बट नॉट एवरी एमपी इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. देखो यू कैन पॉज द वीडियो इफ यू वॉन्ट. देखिए राज्यसभा इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, तो राज्यसभा का कोई भी मेंबर अगर रहेगा तो वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाया. लेकिन पार्लियामेंट के दो पार्ट होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा. तो ऑब्वियसली राज्यसभा, तो हर एमपी जो है वो जरूरी नहीं है कि राज्यसभा का मेंबर हो, वो लोकसभा का भी मेंबर हो सकता है. ठीक है ओके. इन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी द मिनिस्टर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द लेजिस्लेचर. दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स. जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी, ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी मिनिस्टर है या जो भी सेक्रेटरी है, ही और शी इज नॉट एट ऑल फ्रॉम द लेजिस्लेचर. ही और शी इज नॉट एट ऑल अ लॉ मेकर. ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में देर इज अ वॉटर टाइट सेपरेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव. ओके, फोर्थ इज एवरी मिनिस्टर हैज टू बी फ्रॉम द लोअर हाउस. नाजीना, देखो याद करो ये दो एग्जाम्पल. दिस इज एस जयशंकर, ही होल्ड्स द एक्सटर्नल अफेयर्स पोर्टफोलियो. क्या ये लोअर हाउस है? क्या इनको इलेक्ट किया गया है भाई साहब को? ना जी, इनको इलेक्ट नहीं किया गया. ये राज्यसभा के मेंबर हैं, इन्हें इलेक्ट नहीं किया गया, ये राज्यसभा के मेंबर हैं. तो अगर लोकसभा में जो मेजॉरिटी पार्टी है, जो सरकार बना रही है, वो चाहे तो वो राज्यसभा के एक मेंबर को भी मिनिस्टर बना सकती है. ठीक है, आप नॉर्मल मिनिस्टर तो छोड़ो, जो हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, ये भी राज्यसभा के मेंबर थे, राज्यसभा के मेंबर थे, और इन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया. प्राइम मिनिस्टर किसने बनाया था? सोनिया गांधी ने बनाया था. क्योंकि जो लीडर ऑफ द हाउस उस टाइम थी जब इलेक्शंस हुए थे, तो हु वाज द लीडर ऑफ द हाउस? इट वाज सोनिया गांधी हु वाज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस. उन्होंने डिसीजन लिया कि ये ही प्रधानमंत्री बनेंगे. ओके, देयर आर नो नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन लोकसभा. क्या ये बात सही है? देखो अगर आज की बात करें तो हाँ, दो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फ्रॉम दी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो कि आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, दे आर नॉट इलेक्टेड. लेकिन जो 104th अमेंडमेंट एक्ट आया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया है, उसमें ये कह दिया गया है कि अब से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के दो नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा में नॉमिनेट नहीं किए जाएंगे. ठीक है ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच. इट वॉज अ प्लेजर हैविंग दिस लेक्चर. थैंक यू.